और दिल्ली के सारे प्रोजेक्ट भी इसी प्रकार से करने के लिए हरदीप सिंह जी कटिबद्ध है। मगर कांग्रेस की संस्कृति से भी आगे भी एक नई संस्कृति चालू हुई। मोदी जी ने सबको मजबूर किया है कार्य संस्कृति का फॉलो करने के लिए, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल ऐसे हैं कि जो नई नई चीजें करते रहते हैं। केजरीवाल जी ने एक नई शुरुआत की, भाई सोचना भी क्यों, बजट भी क्यों देना, भूमि पूजन भी क्यों करना और उद्घाटन भी क्यों करना, किसी का कराया कराया है अपने नाम का थप्पा लगा देना। अभी मैंने कल एक एडवर्टाइज देखी कि हर घर को पीने का पानी दिल्ली सरकार दे देगी। केजरीवाल जी 15 अगस्त को मेरी बगल में बैठे थे, आप मोदी जी का भाषण नहीं सुना? 2019 का मैंडेट मिलने के बाद लाल किले की प्राचीर से श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2024 के पहले इस देश के हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आप एडवर्टाइज देकर यश लेने की बात कर रहे हो? आप मुझे एक बात बता दो, आपके बजट में कितना रुपया इसके लिए प्रोवाइड किया है? आपकी क्या कार्य योजना है? आपको भी मालूम है जब मोदी जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर हम हर घर को पीने का पानी देंगे तो दिल्ली भी तो देश में आना है, आता है तो दिल्ली को भी मिलने वाला है। तो भाई केजरीवाल तैयार हो गए एक बड़ी एडवर्टाइज कर। एडवर्टाइज से दो काम उनके होते हैं, एक तो कोई योजना पर उनके नाम का थप्पा लगता है और अखबार वाले उनकी सरकार की बुराई नहीं करते, दोनों काम एक ही काम से कर ले। चतुराई तो है, मगर मैं जानता हूं कि दिल्ली की जनता चतुराई को पहचानने वाली जनता है, किसने काम किया और किसने प्रचार किया इसको जान। मित्रों, ये जो योजना बनेगी लगभग 1400 करोड़ से 30 हेक्टर भूमि पर टीओडी के मानदंड के आधार पर ये योजना पहली बार अपने समय पर पूरी होकर, मैंने जैसे कहा, दिल्ली के कार्य संस्कृति को बदलेगी। एक प्रकार से मिक्स यूज परियोजना है जिसका 70% आवासीय होगा, 20% वाणिज्य होगा और 10% नागरिक सुविधा में भी रहेगा। यहां पर गरीबों के लिए भी मकान बनाए जाएंगे, मेट्रो की पिंक और वायोलेट लाइनें दोनों इसके अंदर से होकर ही गुजरेगी और विकास के लिए लगभग 25 हेक्टर भूमि इसके लिए उपलब्ध होगी। सामान्य वर्ग के लिए लगभग 4526 यूनिट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2088 मकान करेंगे और लगभग 1108 और 522 नए मकानों की भी इसके अंदर योजना की है। 30% हिस्से को ग्रीन ओपन पब्लिक स्पेस के रूप में डेवलप किया जाएगा जिससे दिल्ली के प्रदूषण से यहां रहने वाले नागरिकों को बचाया जा सके। एक विशाल ग्रीन लॉन्च का भी आयोजन किया है, पर्यावरणीय हरित भवन की विशेषताएं हैं, एक कल्चर सेंटर जिसके लिए स्काईवॉक कनेक्टिविटी का भी प्लानिंग किया है, बेसमेंट कार पार्किंग भी है, सामुदायिक स्थान है, क्रेच आदि नागरिक सुविधाओं का भी इसके अंदर प्रोविजन किया गया है। एक विकास का नया आयाम, किस प्रकार से दिल्ली जैसे शहरी राज्यों के लिए सिद्ध किया जा सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरदीप पुरी जी ने बहुत कम समय के अंदर दिल्ली वासियों के लिए जो एक के बाद श्रृंखला बनाई है इसे इस दिशा में जा रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा फैसला हुआ,
हरदीप सिंह जी के नेतृत्व में जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसको मोदी जी ने कहा कि सालों से अनधिकृत कॉलोनियां उस वक्त जो सरकारें थी उसके दुर्लक्ष के चलते बस गई। इसके अंदर गरीब लोग रहते हैं, इसके अंदर मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, सालों सालों से रहते, कुछ तो तीन पीढ़ी से रहते, मगर उनके पास बच्चे को पढ़ाना है और बैंक में घर गिरो रखकर लोन लेनी है तो वो नहीं ले सकते क्योंकि इनके नाम पर नहीं। उनको इसको थोड़ा एक्सपांड करना है, बेटे की शादी हो गई, नहीं कर सकते क्योंकि मैं भी अप्रूव नहीं होगा। ये सारी 1731 अनधिकृत कॉलोनी और इसके अंदर रहने वाले 40 लाख लोग, मित्रों 40 लाख का तो शहर होता है, एक अनधिकृत कॉलोनी का अलग प्रकार से एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जितना बड़ा शहर दिल्ली के अंदर बसता है, जिनकी तीन तीन चार चार पीढ़ी से किसी सरकार ने चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया कि सबको अधिकृत कर मालिकाना हक 500 रुपया और 2000 रुपया में दे दिया जाए।